हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू गिव इन इंग्लिश लैंग्वेज द नेक्स्ट चैप्टर वर्क। द नेक्स्ट चैप्टर इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। Dear students, yesterday I have given you the word related sentences. Now I want to declare and explain about kinds of sentences. There are five kinds of sentences. Number one, assertive sentences. Assertive sentences has two types. A number, positive / affirmative sentences. Number B, negative sentences. These sentences belong to us. The statement which is giving in positive view is called positive / affirmative sentences, and the statement which is giving in negative view is called negative sentences. And the main motto of this sentence is assertive sentences. The second is interrogative. Interrogative sentences. Interrogative sentence is used to ask the question. Interrogative sentence is used to ask the question. There are two types of questions. Number one, starting with any helping or modal verb. Let's see going to Kolkata. Is she going to Kolkata? This question's answer can be given in yes / no. We can give the answer of this question in yes or no. But the second type question answer cannot be given in yes or no, as where is she going? This is the second type question. Where is she going? हम इसका अगर उत्तर देना चाहते हैं तो हमें इसका आंसर देने के लिए उस स्थान का नाम बताना पड़ेगा जहां के बारे में इसमें पूछा गया है। But in first sentence हम सिर्फ यस और नो में उत्तर दे देंगे और हमें क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव यस और नो वाला है, और ये जो सेकंड सेंटेंस है ये विदाउट यस नो के बनता है। मींस इसमें कोई ना कोई रीजन देना पड़ता है,
कोई ना कोई प्लेस आता है, कोई टाइम आता है एटसेट्रा। इस प्रकार से जो सेकंड टाइप क्वेश्चन होता है वो ये आपका। थर्ड है आपका बच्चों इंपरेटिव सेंटेंसेस। मैं समझता हूं इंपरेटिव सेंटेंस को आप समझते होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को आदेश देना, किसी से आप प्रार्थना करते हैं, किसी से आज्ञा लेते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी से आप विनती करते हैं, किसी को आप सजेस्ट करते हैं, और इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ना हम हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं, और सिर्फ आज्ञावाचक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, इसमें हम सजेस्ट भी करते हैं, इसमें हम प्रपोज्ड भी करते हैं, तो कई प्रकार के व्यूज इसमें आते हैं, इसलिए इसे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप मेरे अगर क्लास में आना चाहते हो तो आप पूछते हो मे आई कम इन सर, आप पूछते हो ना, तो उसी तरीके से आपका इंपरेटिव हो गया। अब ये मेरे पास मार्कर है, अगर आपको चाहिए तो आप क्या पूछेंगे? सर प्लीज कैन यू गिव मी योर मार्कर। तो आप मुझसे प्लीज मींस रिक्वेस्ट किया ना आपने, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं डोंट मेक अ नॉइस, प्लीज सिट साइलेंटली इन द क्लासरूम। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये क्या हुआ? ये ऑर्डर हुआ, सजेशन हुआ, मैं आपको सजेस्ट करता हूं वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल टहलो, तो ये भी एक सजेशन हो गया। तो इस प्रकार से इसे हम सिर्फ और सिर्फ आज्ञा सूचक तो नहीं कह सकते, इसमें हम आज्ञा भी देते हैं, परमिशन भी देते हैं, परमिशन लेते भी हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं, और प्रपोज भी करते हैं। जैसे कि प्रपोज करने में आ गया लेट हिम, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो, लेट हिम को उसे जाने दो। तो यहां पर क्या एक प्रस्ताव रखा गया, एक सजेशन दिया गया, ठीक है ना, प्रस्ताव भी रखा जाता है, सजेशन भी दिया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो व्यूज आते हैं वो आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ जो है आपका वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं आप समझते हैं? जैसे कि एक्सक्लेम करने का मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करना। आश्चर्य कहाँ होता है? आश्चर्य जो होता है, जैसे कि आपने कहा व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। अब आप देखिए व्हाट से इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है, बट इस सेंटेंस में व्हाट के जस्ट आफ्टर, जैसे कि यहां पर वेयर के बाद आपका इज आया है, और व्हाट के बाद भी इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब आएगा। बट जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें व्हाट और हाउ से अगर सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो उसके तुरंत बाद आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब एटसेट्रा कुछ भी नहीं आना है। उसके जस्ट आफ्टर कोई ना कोई आपका आर्टिकल आता है, उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है, मीन्स वहां पर आश्चर्य प्रकट किया जाता है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो ब्यूटीफुल के एडजेक्टिव हो गया ना। व्हाट अ लवली सीन, व्हाट अ लवली चाइल्ड, व्हाट अ ग्लोरियस बिल्डिंग। हाँ, तो यहां पर आपको क्या लगा कि एक आश्चर्य हो रहा है। इसके साथ साथ ब्रेवो, वेल डन, हा हुरे, अप्लाउजिंग एटसेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ जब सेंटेंसेस बनते हैं, आपकी टीम कहीं गेम खेल रही है और वो जब टीम जीत रही है तो आप अप्लाउज करते हैं, हा हा ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, अलास दुख के लिए, अलास शी हैज डाइड, काश और दुख की बात है वो मर गई।
तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। इसमें हम आश्चर्य करते हैं, दुख भी प्रकट करते हैं, शोक भी प्रकट करते हैं, बहुत खुशी को भी प्रकट करते हैं, और अपने आप में कुछ समय जब वंडर फील होता है, कुछ आश्चर्य महसूस होता है, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझते हैं। फिफ्थ है आपका, बच्चों में से बहुत आजकल ऑप्टेटिव सेंटेंस को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को मोस्टली लोग ये कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव में जोड़ दिया गया है। मेरी समझ से ऐसा नहीं है, अपने आप में जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो अलग हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम किसी को वरदान देते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं, या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, या भला कहते हैं, भला सोचते हैं, या फिर हम कोई संभावना प्रकट करते हैं, तो वहां पर हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर जो लोग कह रहे हैं कि इंपरेटिव एक्सक्लेमेटिव आ जाते हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि संभावना प्रकट करना सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। अब हम संभावना प्रकट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मे इट रेन नाउ, अब वर्षा हो सकती है। तो आप देखिएगा इस सेंटेंस में, सेंटेंस है आपका मे इट रेन नाउ, अब वर्षा हो सकती है। तो अब आप देखिएगा वर्षा हो सकती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, बाकी अब किसी में नहीं दे सकते इसे। और सेकेंड है यू मे गेट वेल सून, जैसे हमने किसी को किसी की अच्छाई के लिए कहा। आजकल आपको पता है कोरोना वायरस बहुत जबरदस्त फैला है, तो लोग दूसरों को बहुत ज्यादा अपने व्यूज प्रकट कर रहे हैं, और अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मे यू गेट वेल सून। सपोज दैट आप किसी पेशेंट से मिलने गए और आपने कहा मे यू गेट वेल सून, तो बच्चों यहां पर देखिए एक चीज आपके सामने आई, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी इसमें आया, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया, उसे ही हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, उसे ही ऑप्टेटिव मार्क कहते हैं। तो यहां पर देखिए मे यू गेट वेल सून, आप शीघ्र ही ठीक हो जाओ। एक और सेंटेंस होता है वो कर्स के रूप में है, मे यू गो टू हेल, आपने सुना होगा नर्क में जाए तू। तो ये आपने बच्चों देखे असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बताए, इंपरेटिव भी बताए, एक्सक्लेमेटरी भी बताए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी बताए, और ये जो वर्क है मैं समझता हूं सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। क्लासेस में यहां पर डाले दे रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, मैं समझता हूं सभी बच्चों के लिए ये वर्क है और सभी बच्चे इसे समझें। आपके पास जो ओल्ड बुक्स रखी हुई हैं, उन ओल्ड बुक्स में आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो मिलेगा, इसकी एक्सरसाइजेज भी मिलेंगी, और मैं सभी के एग्जाम्पल यहाँ पर बोल दिया हूँ, सभी के एग्जाम्पल यहाँ लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि बोर्ड की लिमिट है और वीडियो का भी लिमिट है। तो आप लोग इतने से आप समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे भी आप अपना भेज सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसका छोटा सा वीडियो बना दूंगा, वैसे तो आप समझ लेंगे। और आप वर्क करते रहिएगा, होमवर्क में दे रहा हूँ इसका, प्रत्येक बच्चे को क्या करना है इसी में नोट कर लीजिएगा होमवर्क सभी बच्चों। एसर्टिव के टोटल 10 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, कितने सेंटेंसेस बनाने हैं, 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, उनमें से 5 आपके हो गए पॉजिटिव अथवा अफर्मेटिव के, 5 सेंटेंसेस हो गए आपके नेगेटिव के, उसी तरीके से 10 सेंटेंसेस आपको तैयार करने हैं इंटरोगेटिव में,
और जो इंटेरोगेटिव में टू पार्ट है उसमें से फाइव सेंटेंसेस फर्स्ट पार्ट के एंड फाइव सेंटेंसेस सेकेंड पार्ट के. आफ्टर ऑल द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस आता है इंपरेटिव. इंपरेटिव में आपको सभी के टू टू सेंटेंसेस तैयार करने हैं. कौन कौन से सभी? जैसे कि ऑर्डर के टू, रिक्वेस्ट के टू, सजेशन के टू, लेट के टू, प्लीज के टू. जो रिक्वेस्ट में ही आता है इसमें काइंडली और प्लीज दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ साथ ऑर्डर के टू. तो इस प्रकार से आपके लगभग इसमें 12 से 14 सेंटेंसेस बनते हैं. 12 टू 14 सेंटेंसेस आपको इंपरेटिव में बनाने हैं. आफ्टर ऑल एक्सक्लेमेटरी की तरफ चलते हैं हम. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें क्या करना है? व्हाट के टू, हाउ के टू, अलास के टू, ब्रेवो के टू, हा हा के टू, ओह के टू, आह के टू. इस तरीके से आपके नियर अबाउट 12 से 14 सेंटेंसेस इसके भी होते हैं. ये भी आपको अपने होमवर्क के रूप में कंप्लीट करने हैं और आपको दिखाना भी है कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया. मैं अब चेक करने पे आ रहा हूँ बहुत जल्दी. अब हम बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की तरफ. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में टोटल सबके मिला करके आपको नियर अबाउट 12 सेंटेंसेस ऑप्टेटिव में बनाने हैं. तो ये आपके टोटल मिलाकर के हो गए 10 plus 10 20 20 14 34 34 14 48 48 and 12. आपका ये हो गया जाकर के 60 सेंटेंसेस टोटल हुए. 60 सेंटेंसेस आपको बना करके तैयार करके अपनी एक्सरसाइज के रूप में रखने हैं. ये आपके लिए होमवर्क हो गया. मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे जरूर करेंगे. घर पे बैठे हुए हैं कुछ वर्क करते रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा. और कुछ बच्चे तो देख लेते हैं इस डर की वजह से वर्क नहीं करते हैं कि उन्हें फिर वर्क चेक होगा. बाकी मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को भी, सभी बच्चों को भी, आप लोग वर्क करते रहिएगा और अपनी अटेंडेंस भी बढ़ते लगाते रहिएगा. और मैं अब धीरे धीरे वर्क चेक करने पे आ रहा हूँ. दैट्स ऑल.